Very good morning to all of you. How are you all? I think you are doing well. Now in lecture 18, I have explained you the loan account as per given in the illustration 51. Now today also, in this lecture also, I am taking illustration 52. So please look over here. This is the last lecture of this chapter, retirement of a partner. And next lecture will be of death of a partner. So please beta, clear all the concepts of this chapter. इस चैप्टर के कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट वी कैन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. नाउ देयर आर थ्री पार्टनर्स, इफ यू विल सी इलस्ट्रेशन 52, एज पर द न्यू बुक एंड एज पर द ओल्ड बुक इट इज इलस्ट्रेशन 55. डीके गोयल, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6. On 31st March 2014, Girdhari retired. On that date, the capitals of Banwari, Girdhari and Murari before necessary adjustments stood at Rs. 2 lakh, 1 lakh and 50,000. इसका मतलब ही before any adjustments बोली हुई है, तो इसका मतलब ही new capital है. On Girdhari's retirement, goodwill of the firm was valued at Rs. 1 lakh 14,000. Question is saying that at the time of retirement, there are three partners, that is Banwari, Girdhari and Murari, and their profit sharing ratio is 4:5:6. Girdhari is retiring और Girdhari का share है 5/15 means 1/3. और जब Girdhari retire हो रहा है तो उस दिन goodwill of the firm question में दी हुए हैं, that is rupees how much 1,14,000 Girdhari जिस दिन रिटायर हुआ है. एंड अगर आप देखें तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000. मतलब आपको इस क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज गिवन हेयर. आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपको दिए हुए हैं, दैट इज ₹30,000. Now the question is saying what? The amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari 2 yearly installments of ₹75,000 each, including interest at the rate of 10% per annum. Now, जो भी Murari ने और Banwari ने decide किया कि Girdhari का जो भी total amount होगा, अभी तो हम loan में transfer कर देंगे, अभी हम pay नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको उसके बाद 2 year installments में pay करेंगे. हर 2 साल की installment ₹75,000 की होगी, जिसमें interest भी included होगा. And the balance, और जितना balance बचेगा including interest, 3rd year हम पूरा pay कर देंगे. तो इसका मतलब Girdhari की सारी जो payment है, that will be paid in 3 years installments. ठीक है. और द क्वेश्चन इज सेइंग दैट बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31st मार्च. क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रिपेयर द Girdhari लोन टिल इट इज फाइनली पेड. तो Girdhari को तो हम पे कब तक करेंगे, 3 साल में हमें पे करना ही है. तो हमें तो इसमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, इसकी एडजस्टमेंट कैपिटल निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए पहले तो हम इसकी ओपनिंग कैपिटल को बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देते हैं. तो अगर आप देखें Girdhari की कैपिटल कितनी दी हुई है, 1 लाख. ठीक है बच्चे. फिर उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, इसमें से आप Girdhari शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए. आप अगर आप Girdhari शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं 1,14,000 में, इसका 1/3 अगर आप निकालते हैं तो इसका बैलेंस आ जाता है 38,000. अब इस 38,000 को कौन देगा, Banwari और Murari. तो आपकी कैपिटल बनेगी Banwari's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Murari's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Girdhari's कैपिटल. 38,000 है, कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम 4:6 को ही गेनिंग मान लेंगे, 3:2 में आप ट्रांसफ़र कर देंगे. तो बी का अकाउंट आपका डेबिट होगा 15,200 से और Murari का होगा 22,800. इसकी आप यहाँ पोस्टिंग कर दीजिए, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय Murari's कैपिटल अकाउंट डेबिट. इनके अकाउंट से हम ले रहे हैं,
बनवारी के अकाउंट से 15,200 आएगा और मुरारी की 22,800। नाउ जनरल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसमें से आप इसका शेयर दे दीजिए। बाय रिवैल्यूएशन 6,000 है, 6,000 में उसका 1/3 कितना बनता है 2,000। फिर आप जनरल रिजर्व में से शेयर दे दीजिए, जनरल रिजर्व 30 है, 30 में 1/3 10,000 बनता है। अब आप इसको अगर टोटल करते हैं तो ये तो 38 आ गया, 38, 39, 40, 50, टोटल बैलेंस हो गया 1,50,000। अब ये 1,50,000 उन्होंने बोला है कि अभी हम पे नहीं कर रहे, उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू गिरधारी लोन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे 1,50,000। ठीक है, एक तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ आधा हो गया, 1,50,000 हमें पता चल गया उसे कितना पे करना है। अब ये 1,50,000 हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमने बनाया हुआ है फॉर्मेट, सेम यू विल फॉलो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो डेबिट साइड हो गया बेटा, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। आप किस दिन गिरधारी रिटायर हो रहा है बेटा, 31 मार्च 2014, तो इसका मतलब हम इसका बैलेंस 1 अप्रैल 2014 में यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 अप्रैल 2014 बाय गिरधारीज कैपिटल अकाउंट से हम उसका बैलेंस लेकर आए हैं, दैट इज़ ₹1,50,000। अब हमें इसको पे करना है 31 मार्च 2015, इस पे इंटरेस्ट देना है 10% से बाय इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन 1,50,000 पे अगर आप 10% निकालते हैं तो ये बन जाता है 15,000। तो अब आप कितना पे करोगे, 15,000 टोटल हो गया 1,65,000। लेकिन मेरे बच्चे आप पे कितना करोगे, अभी टू बैंक टोटल पेमेंट 75,000 है जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 1,65,000 माइनस 75 अगर आप करते हैं तो बैलेंस आ जाता है 90,000। टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31 मार्च 2015। अब आप नीचे ले आइए 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। अगेन 1 ईयर विल कंप्लीट ऑन 31 मार्च 2016 बाय इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन में आप दे दीजिए 90,000 का 10% अगर आप डालते हैं तो ये हो जाता है 9,000। लेकिन आपने पे कितना करना है बेटा, 75,000 ही पे करना है, उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है 75। तो अगर आप बैलेंस देखें तो हमारा बैलेंस है 99,000। 99 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो बैलेंस हो जाता है 24। टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31 मार्च 2016। अब आप नीचे ले आइए 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। फिर आप 31 मार्च 2017 में आप बाई इंटरेस्ट निकालेंगे आप 24,000 का 10% आता है 2,400, तो ये टोटल हो जाता है 26,400। 31 मार्च 2017 को आप टू बैंक पे कर दोगे फाइनल 26,400। दिस इज़ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। मैंने अब आपको लोन अकाउंट का भी करा दिया है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा दिए हैं आपको, रिवैल्यूएशन की तीनों एडजस्टमेंट्स करा दिए हैं मैंने आपको, स्मॉल क्वेश्चंस करा दिए हैं, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, हिडन गुडविल का एक टॉपिक है जो कि सेम है बिल्कुल आपके, इसका लास्ट क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे तो हिडन गुडविल का है जो कि बिल्कुल सेम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरह वो आप कर सकते हैं। सो ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड उसमें भी सेम यही चीज़ें हैं, गुडविल निकालना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, दो चार नई चीज़ें वो हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो बेटा अपना काम आप कंप्लीट कर लीजिए, रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, सो दैट यू कैन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।